अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुमायूं इरशाद और आप देखें इंफॉर्म टेक एंड वेलकम बैक टू संडे टेक फैक्ट एपिसोड 3, जहां पे हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग किस्म के फैक्ट्स के ऊपर। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब के कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर जो कि शायद आप लोगों ना पता हो, और इसी वीडियो के अंदर यूट्यूब का एक ऐसा स्पेशल फैक्ट बताने वाले हूँ जो कि शायद आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब क्योंकि यूट्यूब पाकिस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग वेबसाइट बनती जा रही है, तो जल्दी से इसके फैक्ट्स को शुरू कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि YouTube पे एक मिनट के अंदर 400 घंटे की वीडियो अपलोड होती है? मतलब अगर यहाँ पे जितनी भी एक मिनट के अंदर वीडियोस अपलोड होती हैं, उन सब वीडियो का अगर मैं कंबाइन करूँ तो उनका साइज बन जाता है 400 घंटे। और यहाँ पे YouTube के ऊपर आप लोगों को एक्टिव व्यूवर्स 1.8 बिलियन देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे ग्लोबल पॉपुलेशन का 1/4 बनता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है यहाँ पे। अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि YouTube पे सबसे पहली वीडियो कौन सी थी और वो कब अपलोड हुई होगी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि YouTube पे सबसे पहली वीडियो अपलोड हुई थी 23 अप्रैल 2005 में, जो कि यहाँ पे जावेद करीम की तरफ से अपलोड की गई थी। अब जावेद करीम YouTube के को-फाउंडर भी रह चुके हैं, और यहाँ पे इस वीडियो का टाइटल था मी एट जू, मतलब ये एक जू में खड़े हुए थे और वहाँ पे वीडियो उन्होंने शूट की थी और वो अपलोड कर दी थी YouTube पे जाके। अब स्टार्टिंग में YouTube एक सेपरेट कंपनी थी और उसका Google से कोई ताल्लुक नहीं था। अलबत्त कुछ टाइम बाद यहाँ पे Google ने 1.65 बिलियन डॉलर के अंदर YouTube को परचेज कर लिया था। अब जिस टाइम इसे परचेज किया गया था, तो उस टाइम यहाँ पे कोई भी रेवेन्यू मॉडल नहीं था YouTube के ऊपर, जिस तरह से आजकल आप लोगों को एड्स वगैरह देखते हैं, YouTube जिससे कमाई वगैरह करती है, तो उस टाइम इस तरह का कुछ भी नहीं चलता था। लेकिन Google को बिलीव था कि आने वाले वक्त में ये प्लेटफॉर्म काफ़ी पॉपुलर होने वाला है, और वही हो गया। Google ने यहाँ पे इसे परचेज किया, आस्ता आस्ता इस पर टाइम दिया, और आस्ता आस्ता करते करते Google का काफ़ी बड़ा रेवेन्यू यहाँ पे अब YouTube से जनरेट होता है। अब गंगम स्टाइल सॉन्ग तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पे जिस टाइम ये सॉन्ग अपलोड किया गया था, तो ये कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया था। मतलब इतना ज्यादा वायरल हो गया था कि यहाँ पे YouTube का जो व्यू काउंटर था, इसने उसे भी तोड़ दिया था। मतलब जिस टाइम यहाँ पे गाना अपलोड किया गया था, तो उस टाइम YouTube के सिस्टम के अंदर 32-bit इंटीजर सिस्टम यहाँ पे यूज होता था, जहाँ पे व्यूज को काउंट किया जाता था। लेकिन गंगम स्टाइल को यहाँ पे आने के बाद ये सिस्टम बेकार हो चुका था, और यहाँ पे इस गंगम स्टाइल के जो व्यूज थे वो इसे काउंट नहीं हो रहे थे, क्योंकि व्यूज ज्यादा क्रॉस कर चुके थे। अब यहाँ पे आप लोगों को 32-bit के अंदर मैक्सिमम 2.1 बिलियन व्यूज ही देखे जा सकते थे। सो इस वजह से YouTube ने इस सॉन्ग के बाद अपने ओल्ड सिस्टम को अपग्रेड किया और अपने 32-bit इंटीजर सिस्टम को 64-bit इंटीजर व्यू काउंटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब अब यहां पे आप लोगों को मैक्सिमम 9.2 ट्रिलियन व्यूज काउंट हो सकते हैं अपने एक वीडियो के ऊपर, जो कि यहां पे सुनने में काफी मुश्किल लगता है, जो कि कोई भी वीडियो इस टाइम 9.2 ट्रिलियन व्यूज को क्रॉस करे, मे बी इन फ्यूचर यहां पे कर लीजिए। अलबत्त रिसेंटली गंगम स्टाइल को ब्रेक करके एक और सॉन्ग ऊपर आ चुका है, जिसका नाम मैं डेस्पेसिटो। आप लोगों ने जरूर इस गाने के बारे में सुना ही होगा, जिसके व्यूज 5.4 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुकी हैं। क्या आपको पता है कि YouTube 75 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है? अब इसका यह मतलब बनता है कि YouTube इंटरनेट पॉपुलेशन का 75% कवर कर लेती है। YouTube के जो CEO है सुजन वजेस्की, ये वही औरत है जिन्होंने लैरी और सर्जी को 1998 के अंदर Google स्टार्ट करने के लिए अपना गराज रेंट पे दिया था, और यहाँ पे आस्ता आस्ता यहाँ पे Google चलता गया, और उसके बाद यहाँ पे जिस टाइम YouTube आया, तो लैरी और सर्जी ने उसी औरत को, मतलब सुजन वजेस्की को, YouTube का CEO बना दिया। अलबत्त अगर आप लोगों को लैरी और सर्जी का नहीं पता, तो लैरी और सर्जी गूगल के को-फाउंडर है जिन्होंने यहाँ पे गूगल को बनाया है। अब जो YouTube है वो हर किस्म के वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। मतलब अगर यहाँ पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं HD में, फुल HD में, अल्ट्रा HD में, 4K, 8K, 3D, 360, इनफैक्ट यहाँ पे 50 FPS की बात करूँ या 60 FPS की बात करूँ, तो ये सारी वीडियोज आप लोगों को YouTube पे देखने को मिल जाएंगी। इनफैक्ट यहाँ पे HDR के साथ, HDR 10 Dolby Vision के साथ भी आप लोगों को YouTube के वीडियो देखने को मिल जाएंगी, और YouTube आस्ता आस्ता भी इसके ऊपर और काम करती जा रही है। मतलब पूरी दुनिया के जितने भी किस्म के यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट होते हैं, वो सारे आप लोग YouTube के ऊपर मिल जाएंगे। अब YouTube दुनिया का सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन है। फर्स्ट पे आप लोगों को गूगल देखने को मिल जाता है, और सेकंड पे YouTube। अब यहाँ पे आप लोगों को बाकी जितने भी सर्च इंजन देखने को मिलते हैं ना, मतलब यहाँ पे मैं Bing की बात करूँ, Yahoo की बात करूँ, Ask की बात करूँ, About.com की बात करूँ, तो इन सारे सर्च इंजन के ऊपर जितनी भी सर्चेज की जाती हैं, उन सबको अगर मिलाया जाए, तो वो तब भी यूट्यूब के सर्च के मुकाबले में नहीं आ सकती। और यहाँ पे यूट्यूब सिर्फ गूगल से पीछे आता है। नंबर 1 आप लोग यहाँ पे गूगल देखने को मिल जाता है।
और अब आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे YouTube से रिलेटेड, अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि एक वीडियो के लाइक्स लगभग 4.5 लाख है और उसके ऊपर कमेंट आप लोगों को इस टाइम 80,000 के करीब देखने को मिलेंगे, तो आपके ख्याल से उस वीडियो की कितने व्यूज होने चाहिए YouTube के ऊपर? लगभग यहाँ पे आपके ख्याल से और मेरे ख्याल से 4 से 5 मिलियन व्यूज तो उस वीडियो पे होने चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आप लोगों को YouTube के ऊपर एक ऐसी वीडियो देखने को मिल जाती है जिसके व्यूज जस्ट 301 मतलब 301 व्यूज हैं और उसके लाइक आप लोगों को 4.5 लाख और कमेंट्स तकरीबन 80,000 के करीब देखने को मिल जाते हैं जो कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब आप लोगों को ये YouTube पे वीडियो देखने को मिल जाएगी, आप लोग YouTube पे अभी जाकर सर्च कर सकते हैं 301 व्यूज लिखें, वहां पे आप लोगों के सामने एक वीडियो आ जाएगी। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो गूगल के एनालिटिक्स के मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं उन्हें भी यहाँ पे बताया है कि ऐसा क्यों हुआ है, ये 301 व्यूज क्यों स्टक हुए हैं यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर। और इनफैक्ट यहाँ पे वीडियो क्रिएटर ने भी इसी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है 301 व्यूज जस्ट और स्टिल स्टक, जो कि वीडियो अपलोड हुई थी 2012 के अंदर। सो होप्स जो फ्रेंड्स आप लोगों के सारे यूट्यूब से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट अच्छे लगे होंगे। वेल मुझे जो सबसे अच्छा फैक्ट लगा है वो है 301 व्यूज स्टक वाला। अरे बता, आप मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हैं कि आपको सबसे अच्छा यहाँ पे फैक्ट कौन सा लगा है। वीडियो अच्छी लगी फिर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को इस तरह की नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में और अगले संडे को एक और इस तरह के टेक फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।